हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनूस किचन। आज हम बनाएंगे मंचूरियन। मंचूरियन बनाने की रेसिपी देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंचूरियन बनाने की रेसिपी। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पत्ता गोभी चाहिए, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और कुछ लगभग 250 ग्राम पत्ता गोभी है। इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे ताकि जो इसका पानी है वो नमक से अलग हो जाए। अब इसको हम स्क्वीज कर लेंगे और पानी को अलग रख लेंगे। ये पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए इस पानी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अब इसके अंदर एक बड़ा प्याज छोटा छोटा कटा हुआ डालें। प्याज से क्या होता है, क्रंचीनेस आती है, इसलिए हमें प्याज डालनी चाहिए। साथ ही आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आप चाहे तो इसे ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक का यूज़ किया है इसीलिए नमक थोड़ा सा कम। साथ के अंदर एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम है या मैदा कम है तो उसे और डाल दें। साथ ही इस चीज़ को ध्यान रखें कि दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट के इसके अंदर मिक्स कर लें। अब जो मिक्सचर बना है इसके छोटे छोटे गोले बना लें। गोले आप अपने साइज़ के बना सकते हैं, छोटे बड़े जिस साइज़ के, मुझे इतने अच्छे लगते हैं तो मैंने इसी हिसाब से अपने को, आप चाहे तो ऐसे भी गोले बना सकते हैं। जब सारे मसाले के गोले बन जाए तो ये कुछ इस प्रकार से गोले हो जाएंगे। अब तेल को गरम करेंगे अच्छे से, और जो मंचूरियन के गोले हैं या मंचूरियन के जो मंचूरियन बॉल्स, अब मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इन मंचूरियन बॉल्स को अच्छे से धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएं। ध्यान रखें कि आंच धीरे होनी चाहिए, वरना अगर आप आंच को तेज रखेंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो कुछ इस तरह के वो दिखाई देंगे। अब हमें एक प्लेट में डाल लेना है और थोड़ा ठंडा होने के लिए उसे छोड़ देंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर एक चम्मच तेल डालना है और उसे गर्म करने के लिए छोड़ देना है। अब हम बनाएंगे सॉस का पेस्ट। इसके लिए रेड चिल्ली एक चम्मच डालेंगे। आप रेड चिल्ली या ग्रीन चिल्ली को कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइस तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर कम पसंद है तो कम डाल लें। इसके साथ ही ग्रीन चिल्ली भी एक चम्मच डालेंगे, साथ ही सोया सॉस हाफ चम्मच, विनेगर थोड़ा सा डालेंगे। तेल को एकदम गर्म होने देंगे। उसके बाद उसके अंदर लहसुन और अदरक दोनों को डालेंगे, छोटा छोटा कट किया हुआ। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल के अच्छे से पकाएंगे। प्याज को जो मैंने लंबे लंबे काटे थे, कम से कम दो बड़े प्याज के लगभग मैंने प्याज लिए, अब इनको अच्छे से थोड़ा सा सोते करेंगे। अब इसके अंदर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी डालकर अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रखें कि इनको ज़्यादा पकाना नहीं है,
थोड़ा सा पकाना है। अब जो हमने सॉस बनाई थी या मिक्सचर बनाया था जो सॉस का, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तब इसके इसके अंदर एक ग्लास पानी डालेंगे और कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी मिक्स करके उस पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगी, जो हमारी मंचूरियन सॉस होगी वो, यानी ग्रेवी, वो गाढ़ी हो जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए गाढ़ा होने दें, उसके बाद इसके अंदर मंचूरियन बॉल्स को डाल दें। ध्यान रखिए कि अब फ्लेम को धीरे रखना है। वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी, तो इसको धीरे कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे गरम गरम खाइए, ज़्यादा स्वाद लगेंगे। अगर आप अब इस फ्लेम को ऑफ कर दें, लीजिए तैयार है आपका मंचूरियन, जो खाने में बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग है। आप गरम गरम इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।